सच बता रहा हूँ, जिस दिन से मैंने इनका नाम गाना शुरू किया ना, कभी किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राधे हरे कृष्णा, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माई मेरी सतिया ज्योता वाली माता, तेरी सदा ही जय। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं माता रानी के अद्भुत दर्शन से। तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, पिंडियों के दर्शन कर लीजिए, बोलिए सांचे दरबार की जय। पूजा करने के लिए तैयार हो, और सुतांतु को तो देख लीजिए, आपका बाल गोपाल। आज इन्होंने पहने हैं येल्लो येल्लो कलर के वस्त्र, ये भी किसी ने भेजे थे, इनके हमने तो नहीं खरीदे हैं, किसी ने इनको गिफ्ट दिए थे ये वस्त्र, तो आज इन्होंने ये वस्त्र पहने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि गुस्से में बैठे हों, मेरी ख्याल नहीं रख रहे हो नवरात्रों में, मेरा ख्याल नहीं रख रहे हो नवरात्रों में। तो चलिए पूजा करते हैं प्रारंभ, भोग की करते हैं तैयारी। पूरे घर पे मैं गंगा जल छिड़क चुकी हूँ, कर रही हूँ भोग की तैयारी। लड्डू स्नान कर चुका है, अब भोग बन जाए। और आज माता रानी का तीसरा नवरात्र है, तो आज का भोग इम्पोर्टेंट होने वाला है। दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट आप रख सकते हो, दूध की खीर बना सकते हो। शाम को मैं स्पेशल खीर बनाऊंगी दूध की, और अभी तो दूध की बनी कोई मिठाई रख सकते हो, मतलब दूध से बनी कोई भी चीज आज आपको माता रानी को भोग अवश्य लगानी है। तो कथावाचक हूँ तो फिर मैं अपनी पर्सनल लाइफ कुछ इंजॉय नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। कथावाचक भगवान के नाम का गुणगान अगर आप गृहस्थ जीवन में रह के करोगे तो उत्तम नहीं सर्वोत्तम फल भगवान आपको देता है। कैसी लग रही है आपको मेरी गोपी ड्रेस, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। राधे राधे, अच्छी लग रही है ना, तो चलो चल के पूजा करते हैं, आ जाइए। तो भोग तैयार हो चुका है और पूजा का सामान भी तैयार हो चुका है। चलो एक बार चेक कर लेती हूँ कि भोग में आज क्या क्या है। आज माँ चंद्र घंटा का दिन है, अर्थात उनके मस्तक पर आधा चांद विराजमान है, और महिषासुर का उन्होंने आज वैद्यसुर का वही चंद्र घंटा माता जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, तो उनको दूध से बनी चीजें, दूध से बनी मिठाई, दूध से बने प्रोडक्ट उनको बहुत 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 ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी तो सुबह सुबह मैं क्या क्या लेके आई हूँ दूध से बनी चीजें, जैसे कि ये दूध से बना छेना है, अच्छा ये गुड़ का बना हुआ है, दूध और गुड़ का बना छेना, और ये दूध से बनी मिठाई है, ये भी दूध से बनी मिठाई है, ये मुझे नहीं पता शायद खोए वोए से बनी मिठाई होगी, और ये है दूध से बनी, दूध से बनी रबड़ी है ये, जो हम आज चंद्र घंटा माता को भोग लगाने वाले हैं। कुछ फ्रूट्स आप देख रहे होंगे, पांच प्रकार के फ्रूट्स, मैं कोशिश करती हूँ कि पांच प्रकार की मिठाई हो जाए, पांच प्रकार के फ्रूट्स हो जाए, पांच प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हो जाए। इम्पोर्टेंट आज ये वाली मिठाई है, बाकी ये सब तो कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं आज पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि आज शाम को मैं माँ चंद्र घंटा के लिए अपने हाथों से खीर बना सकूं, और मैं जरूर और जरूर बनाऊंगी। और पूजा का सामान तो आप लोगों को पता है, कल ही बता दिया था मैंने, तो फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। ये है रोज का इत्र जो मैं माता को लगाने वाली हूँ, ये है आम की लकड़ी, ये है अगरबत्ती, ये है चंद, थोड़ा सा तिलक रोली, ये है लौंग सुपारी, और ये है कपूर, ये है शहद, घी सामग्री, और ये पूरा पूजा का सामान है। पंचमुखी दिया भी रेडी हो चुका है, हम लोग आरती करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ पूजा अर्चना वंदना करने के लिए तैयार हो। मैंने चढ़ा रखा है कंडा, जिसको आप उपला कहते हो, उस पे देखिए, किसी दिन मैं लास्ट वाले दिन पूजा की वीडियो बना के डालूंगी। अभी मुझे लगता है कि पूजा की वीडियो बना के डालना अर्थात अपनी प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय करना, भंग करना, पूजा का अपने जब पूजा प्रारंभ कर दो ना, उसके बाद आपका फोकस कैमरे पे नहीं जाना चाहिए, तो लास्ट वाले दिन एक दिन आपको बना के अवश्य रख दूंगी। ये जो सारा का सारा सामान आप देख रहे हो ना, ये देखिए, इसमें ये सारा सामान जाएगा, इसमें कंडा आएगा, पहले उपला कंडा, आधा बन हुआ उपला कंडा आएगा, उसके बाद उस पर ये आम की लकड़ियां रखी जाएंगी, उसके बाद अग्नि देवता को याद करके थोड़ा सा ये कपूर डाल के अग्नि जलाई जाएगी, फिर सात बार सामग्री डाली जाती है, सात बार सामग्री के बाद घी डाला जाता है, घी के बाद आपका ये डाला जाता है, शहद डाला जाता है, दो लोगों का जोड़ा मैं चढ़ाती हूँ, दो लोगों के जोड़े मेरे हस्बैंड चढ़ाते हैं, एक सुपारी वो चढ़ाती है, एक सुपारी मैं चढ़ाती हूँ, कपूर उनको
लगाया जाता है। हर चीज को लगाने का अपना विधान होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कपूर चढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं कपूर को घी में डिप करूंगी हल्का सा, उसके बाद मैं ये लाल रंग का चंदन रोली लगाऊंगी, उसके बाद माँ को समर्पित करूंगी। कुछ इस प्रकार से मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं माता रानी को अवश्य, जैसे टीका है ये टीका भी अवश्य लगाती हूँ, और ये रोज का इत्र है ये भी मैं डेफिनेटली अवश्य लगाती हूँ। ये सब कुछ करने के बाद मैं जो भी, मेरे को ये मिष्ठान आप लोग देख रहे हो ना, जो भी आप ये सब भोग देख रहे हो, इसमें से थोड़ा थोड़ा भोग मैं अग्नि यहाँ पे डालूंगी और लड्डू गोपाल को भी भोग लगाऊंगी। उसके बाद ये जल है, जल मैं चारों तरफ ऐसे डाल के 3 बार इनको नमस्ते कर लूंगी। तो ये मेरी पूजा विधि होती है। लास्ट वाले दिन मैं आपको कम्प्लीटली पूजा विधि दिखाऊंगी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पूजा कर रही होती तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी, मैं आपको इसके लिए भी बता दूँ आपको, चलो तुम भी हमारा, आप भी हमारा परिवार हो तो आपसे क्या छुपाना। जब भी हम पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो अगर हम वो सब चीज कैमरे में कैप्चर करते हैं तो जो उसकी ऊर्जी है, जो उसकी एनर्जी है, वो कैमरे में कैप्चर हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि अभी इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो रखी है मेरे घर पे, इतना सकारात्मक ओरा हो रखा है, क्योंकि नवरात्रों में माता रानी आई है तो बहुत सकारात्मक ओरा हुआ है। तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव ये कैमरे में कैप्चर ना करके मेरा माइंड कैप्चर करे इस चीज को। आठवीं वाले दिन जब अष्टमी होगी तो मैं आपको पूरा विधि विधान से एक बार दिखाऊंगी। तब तक के लिए चलिए पूजा करना प्रारंभ करते हैं, आ जाइए मेरे साथ पूजा करने। माँ ज्वाला देवी ने इतने प्रचंड दर्शन दिए हैं आज की, मन खुश हो गया है और बोलिए, माई मेरी सतिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा वीर बजरंगी बोल सांचे दरबार की जय। ये ज्वाला माता पे जो लौंग चढ़ाई जाती है, अगर वो लौंग चटक जाए, मतलब गिरने के बाद चट दिना आवाज आए, तो समझ लीजिए आपकी पूजा अर्चना वंदना माँ ज्वाला ने, माँ ज्वाला प्रसन्न हुई है, माँ ज्वाला ने आपकी पूजा अर्चना वंदना कबूल कीजिए। बोलिए साचे दरबार की जय, माई मेरी सतिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। हम अपने यंत्रों को चार्ज कर रहे हैं माँ की आरती से। इनको चार्ज करना बहुत आवश्यक है, अगर ये चार्ज होंगे तो घर पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, इसलिए इनको चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो चलो हम आरती से चार्ज कर रहे हैं, इफ़ इन केस अगर आप आरती से चार्ज ना करें तो आप अपनी हाथ की एनर्जी से भी इनको चार्ज कर सकते हैं। और ये सतीश जी दिखा रहे हैं पूरे घर में आरती। मैं हमेशा आरती करने के तत्पश्चात, हम लोगों का ये काम होता है सुबह इंसाम, हम पूरे घर में आरती जरूर दिखाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की पूजा के बाद। ये आरती हमारे यूट्यूब के सारे परिवार वालों के लिए। बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय। पूजा को विश्राम देने के बाद हम लोग पूरे घर में घंटी जरूर बजाते हैं, ये मैं बजा रही हूँ पूरे घर में घंटी। इनफैक्ट मैं दरवाजा खोल के मुख्य द्वार पे भी घंटी जरूर और जरूर बजाती हूँ, ये मेरा नित्य पूजा का नियम है। जो पूरे घर में धुंध हुई है ना, मतलब पूरे घर में जो हमने छोटा सा हवन किया है, हवन सामग्री वगैरह देखिए, पूरे घर में आपको धुंध दिख रही होगी, पूरे घर में जो धुंध हुई है वो तो उसका तो नजारा ही अद्भुत है। वो कितनी धुंध दिख रही है आपको, कितनी धुंध हुई है आज, मतलब ये जो धुआं है इतनी, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ये जो धुआं है ना ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, ये जो हमने आरती वगैरह करी है और ये जो हमने छोटा सा हवन किया है उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। देखो पूरे कमरे में धुआं धुआं हो रहा है, यहाँ पे भी आपको धुआं धुआं दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाती है और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। पूजा सतीश जी जिस चीज का जोरों शोरों से इंतजार करते हैं वो चीज है चरण छूने का। अभी भरेंगे मांग और फिर मैं उनके छूंगी चरण, क्योंकि पूजा का संपूर्ण फल पति के चरणों को छूकर ही मिलता है। जिस तिलक से आप लोग माता रानी को तिलक कर रहे हो, माता रानी का तिलक, उससे आप 9 दिन तक मांग अवश्य भरवाएं अगर आप सुहागन है तो। मोहब्बत तो एक छोटा सा लफ्ज है, मेरी तो जान बसती है आप में।
कैसे चल रहे हैं आपके नवरात्रों के व्रत, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं मेरे सब्सक्राइबर, अर्थात सब्सक्राइबर क्या मेरा YouTube परिवार में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नवरात्रों के संपूर्ण व्रत रखे हैं। अगर आप लोगों ने व्रत नहीं रखे हैं किसी कारणवश, तो मैं हूँ ना, मैंने व्रत रखे हैं, मेरे हस्बैंड ने व्रत रखे हैं, हम दोनों ने अपने पूरे यूट्यूब परिवार के लिए व्रत रखे हैं, और नित्य मैं पूजा कर रही हूँ, अर्चना कर रही हूँ और आपको भी आरती दे रही हूँ, ताकि जो फल हमें प्राप्त हो रहा है वो फल आपको भी प्राप्त होए। और बताइए कि आपकी खेतरी उगनी प्रारंभ हुई या नहीं, अर्थात आपके जो उगने प्रारंभ हुए या नहीं उगने प्रारंभ हुए, अखंड ज्योत किस किस ने प्रज्वलित करी है, और पिंडी किस किस ने बनाई है, और जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिंडी बनाई है, एक ने तो इतनी सुंदर पिंडी बनाई है, कि मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि पिंडी कितनी सुंदर बनाई उन्होंने। हमारा एक परिवार, यूट्यूब परिवार की ही एक सदस्य है जिन्होंने पिंडी बनाई है, उन्होंने मेरे को फोटो भेजी, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी। आप में से किस लोगों ने पिंडी बनाई है, मैंने तो बनाई ही है, अखंड ज्योत प्रज्वलित करी है, मैंने तो पूरे अपने यूट्यूब परिवार के नाम की अखंड ज्योत प्रज्वलित करी है। और मेरी गोपी ड्रेस कैसी लग रही है, और मैंने तो पूरे YouTube परिवार के नाम की अपनी अखंड ज्योत प्रज्वलित करी ही करी है। और किस किस की अखंड ज्योत सही चल रही है या नहीं चल रही है, किस किस की बुझी है, अगर बुझी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो भी संशय आपकी दूर करूंगी। अगर क्यों बुझी है तो क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है, अगर जल रही है तो फिर कल किसी ने हमें कमेंट्स किया कि सतीश जी डरते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं, डरते हुए आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, ये बहुत कम बोलते हैं। और प्रेशर कुकर जानते हैं, प्रेशर कुकर इट जस्ट लाइक ए प्रेशर कुकर, जब फटेंगे तो एकदम से ही फटेंगे, बट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हर चीज़ में मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आज मैं अगर YouTube पे आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रही हूँ, शादी के बाद अगर मैं भागवत कथा लग कर पा रही हूँ या फिर कोई भी प्रोग्राम कर पा रही हूँ, मेरे पापा के बाद अगर किसी ने मेरे को सपोर्ट किया है, मेरे माता पिता ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया शादी से पहले, मेरे मम्मी पापा ने, और शादी के बाद अगर मेरे को किसी ने सपोर्ट किया है तो वो एक सिंगल पर्सन है, मैं सिंगल पर्सन बोल रही हूँ, वो यही है जिन्होंने, कल भी एक मैंने कमेंट्स पढ़ा था जिसमें बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि अगर पति ऐसा हो तो पत्नी कहीं भी पहुंच सकती है, हमें कहीं नहीं पहुंचना, हम यहाँ पर हैं, हम वहीं पर खुश हैं, हमें केवल अपनी भक्ति करनी है, और हम चाहते हैं कि भक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे इस परिवार को जल्दी से आपको लख तकिया परिवार बनाना, अर्थात 1,00,000 लोग जल्दी इस परिवार में जुड़ जाएं, हमारी ये दिली कामना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारा YouTube चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि अब हम कुछ पान करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, केवल और केवल व्रत वाली ही चीजें खाएंगे पिएंगे, क्योंकि हम दोनों का ही व्रत है। कहीं आप लोग सोचो क्या खा रहे हैं, हम दोनों का ही 9 दिन का उपवास है। ब्लॉग बनाने का रीजन केवल ये है ताकि आपको भी, जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, जिन्होंने पूजा पाठ जिनके घर पे नहीं हो रही है, वो इस चीज से वंचित ना हो, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने ऐसे YouTube परिवार के लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि हमारे ससुराल में पूजा पाठ अलाउ नहीं है, हमारी सास नहीं करने देती, हमारा पति हमें सपोर्ट नहीं करता। आई कांट शेयर नेम क्योंकि वो प्राइवेसी है, उन्होंने मुझे बताई, तो मैं नाम से शेयर नहीं करना चाहूंगी, ताकि उन लोगों को ये वीडियो देखकर बहुत सारा माता रानी प्यार आशीर्वाद दे, और उनको फील ना हो कि उनके घर पे पूजा पाठ, दीदी और जीजा जी पूजा कर तो रहे हैं। तो अब हरे कृष्णा हरे बोल।